तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं तीन गेमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है वो आप हमें बता देना, उस हिसाब से अपन बात करते हैं। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं तीन गेमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो आने वाले टाइम के अंदर अपने को अच्छा खासा गेन करवा सकते हैं। और गेमिंग के प्रोजेक्ट इतने अच्छे चल रहे हैं वो पूछो मत। सबसे पहले में अपने आता है INJ, इंजेक्टिव कॉइन के नाम से। ठीक है, इसकी सप्लाई है वो भी ज्यादा नहीं है, 10 करोड़ के आसपास है। और सप्लाई के अंदर यहाँ पे सर्कुलेट में आ चुकी है ये 83 लाख के आसपास। और इसके अंदर अपन बात करें तो ये ऑल टाइम हाई के अंदर भी अपने को अच्छा खासा गेन करवा सकता है। उस हिसाब से अपन देखें तो हिस्ट्रिकल डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ, शो करवा देता हूँ। हिस्ट्रिकल डाटा के हिसाब से अपन यहाँ पे देखे 3 ईयर पहले की डाटा है, उस हिसाब से अपन चेक करें। बाइनेंस वगैरह, कॉइनबेस, कुकॉइन, सारी एक्सचेंजों पे ये ऑलरेडी लिस्टेड है। उस हिसाब से अपन देखें तो ये इसके डाटा चल रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से ये इन्होंने अच्छा काम किया है यहाँ पे। ऑल टाइम हाई की अगर अपन बात करें इसकी तो ऑल टाइम हाई, थोड़ा सा क्या है नेट स्लो चल रहा है तो उस हिसाब से अपन बात करते हैं। ऑल टाइम हाई ये 53% ये डाउन चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या है मतलब आप जाने मत दो, जो अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं उनको जाने मत दो। वो क्या है आने वाले टाइम के अंदर अपने को अच्छा खासा गेन करवा सकते हैं, क्योंकि गेमिंग के प्रोजेक्ट है। जिस प्रकार से एक्सी इन्फिनिटी ने दो जैसे प्रॉफिट, उसी प्रकार से आप उसमें प्रॉफिट निकलते हो। बात करें सेकंड प्रोजेक्ट की, इंटरनेट कंप्यूटर के नाम से है वो, ICP कॉइन के नाम से सब लोग जानते हो उसको। हुई है कॉइन है ये भी, आने वाले टाइम में अपने को अच्छा खासा गेन करवा सकता है ये। ये भी लगभग 86% क्या है डाउन चल रहा है, क्योंकि ये जो कॉइन हम लोग बता रहे हैं ये क्या डाउन वाले ही प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले टाइम के अंदर अपने को अच्छा खासा गेन भी करवा सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या है आप लोग नजर रखा करो। अगर इसको वैसे भी अपन देखे तो ऑल टाइम हाई के अंदर आप देख सकते हो $428 के आसपास गया हुआ है, और आज दोस्तों ये ओनली $5 के आसपास है। तो ऐसे प्रोजेक्ट हैं ये कि इसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, कहीं भी मतलब इसने हाइप नहीं लगाई है। अगेन अगर अपन इसको 50x भी माने तो $250 के आसपास ये अपने को दे सकता है रिटर्न बुल मार्केट के अंदर। तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या है आप लोग बिल्कुल भी मिस मत किया करो। ठीक है, इसकी अपन सप्लाई देखें तो सप्लाई भी ज्यादा नहीं है, ओनली 51 लाख के आसपास है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को मतलब आप यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर भी है, कुकॉइन पे है, कॉइनबेस के ऊपर है, क्रैकन पे है, कॉइनबेस, तो ये सारी एक्सचेंज बड़ी बड़ी है, इनके ऊपर ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं इनमें, और न्यूज़ भी क्या है इसकी निकल के आती रहती है। और फुल डिटेल के अंदर आपको चाहिए तो हम आपको उस हिसाब से इसका फुल वीडियो बना के दे देंगे। अब यहाँ पे अपन बात करें तो टॉप गेमिंग टोकन, द अर्लियस्ट एंटी स्टेप अराइवल ऑफ GTA 6 इज फाइनली ऑन द होरिजन एज मार्क्ड बाय द ऑफिशियल। इसके ऊपर ही क्या है ये वीडियो के ऊपर ये बना है, ग्रांड थिफ्ट के नाम से ये ऑटो के नाम से गेम बना है। तो गेमिंग के प्रोजेक्ट है आने वाले टाइम में, गेमिंग के प्रोजेक्ट ही चलेंगे। और तीसरा कॉइन है वो अपना है GRT द ग्राफ।
ग्राफ कॉइन है, उसको सब लोग जानते हैं। ग्राफ इतना धासु कॉइन है, वो एआई में भी आता है और गेमिंग में भी आता है। 3-4 के अंदर ये आता है गेमिंग में। नेट थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अपन। $3 के आसपास ये जाके आ चुका था पहले, उस टाइम की अगर बात अपन करें तो। उस हिसाब से देखें तो ये भी कॉइन अच्छा खासा गेन करवा सकते हैं। बाइनेंस कुकॉइन वो भी इन सब के ऊपर ये ऑलरेडी लिस्टेड है। इसका भी क्या है, हम फुल वीडियो आपको बना के दे देंगे, तो उससे क्या है आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ लोगों ने प्रेडिक्शन भी लगा के रखा है कि किस प्रकार से ये आने वाले टाइम के अंदर अपने को अच्छा खासा गेन करवा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।